आपको नमस्कार करते हैं। तो आज इसमें एनसीईआरटी का हिसाब बच गया था, एनसीईआरटी का दो अंक कटते हैं। यह क्लास 10 है, दो चर वाले रेखीय समीकरण है। उत्तर पर दो अंक कटते हैं तो पचास अंक पचास अंक अर्जित करता तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। प्रश्न थे आप देखिए, ध्यान देना, क्लियर। देखो क्वेश्चन लिख दिए, ले एग्जाम्पल। यश एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है, टेस्ट में 40 अंक अर्जित में क्या प्राप्त करता है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी माइनस मार्किंग है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अशुद्ध उत्तर देखिए क्वेश्चन में, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो उसे तो 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। टेस्ट में जब टेस्ट होता है, मान लिया कुल प्रश्न 20 है, कोई टेस्ट दिए तो 15 सही है और 5 गलत है, तो कुल प्रश्न बोलो, कुल प्रश्न बोलो 15 प्लस 5 तो क्या है 20। आप कोई टेस्ट दिए जिसमें 15 सही बनाए और 5 गलत बनाए, कुल प्रश्न बोलो 15 5 20 नहीं। तो माना कि सही उत्तरों की संख्या एक्स, माना कि सही उत्तरों की संख्या एक्स और अशुद्ध, देखिए अशुद्ध उत्तर जो गलती बनाए हैं उत्तरों की संख्या वाई, यानी सही उत्तरों की संख्या एक्स, गलत बनाए क्या वो वाई, ने सही बनाया एक्स वो गलत क्या बनाया वाई। तब देखिए क्या, देखिए तो प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गया, यानी माइनस मार्किंग है ना, मास में घटता है। जैसे कोई परीक्षा में आप सही बनाए, सही आपको 30 अंक, गलत 10 अंक, तो आपको कितना प्राप्त अंक होगा, कितना लीजिएगा तो 30 माइनस 10 यानी आपको 20 अंक आएगा। इसलिए परीक्षा में जो होता है माइनस मार्किंग,
तो उसमें जो जानते हुए बनाते हैं, अगर आए 10 तो हमको 30 समझ आएगा, नहीं 20 ही आएगा। एक माइनस मार्किंग क्या है, घट जाता है, यानी 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 तो क्या है 20, है ना? समझ में आ गया होगा। तो बोलो यहां पहली स्थिति में कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला, यानी एक सही पर 3 अंक, तो एक सही पर 3x, एक सही पर 3 अंक, तो 2 सही पर 2 × 3 6 अंक, 5 सही पर 5 × 3 15 अंक, एक सही पर x × 3 क्या x 3x 3x, और अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती हो गया, यानी अशुद्ध पर 1 अंक कट गया, एक गलत पर 1 अंक कटा, तो 2 गलत पर 2 × 1 2 अंक, 3 गलत पर 3 × 1 4 गलत पर 4 × 1। यहाँ कहता है परिस्थिति में कि 40 अंक प्राप्त होता है, 40 अंक प्राप्त होता है जब, या चल ऐसे करें को ऐसे लिख दें और की होते क्या लिखने उतना की जरूरत की है, तो ये अच्छा रहता है कि 40 अंक अर्जित करता है तो प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा औसत उत्तर पर क्या 1 अंक की कटौती हो जाती है। तब बोले सही पर उत्तर क्या माने एक्स, तो बोलो प्रत्येक सही पर क्या अंक 3 अंक, तो क्या सही है एक्स, तो एक सही पर 3 अंक, 2 सही पर 2 × 3 अंक, 4 सही पर 4 × 3 अंक 12, तो एक्स सही पर तो क्या एक्स 3x, 3x, अच्छा, आ एक अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती, एक गलत पर 1 अंक कटता है, 2 गलत पर 2 × 1, 3 गलत पर 3 × 1, y गलत पर y × 1, तो यहाँ तो अशुद्ध कितना माने y, 1 अंक पर 1 गलत पर क्या कटता है 1, तो y गलत पर y × 1 तो क्या है y, यहाँ जाएगा ऐसे कि 3 × x और y × 1, अच्छा तो जो 1 अंक कट जाता है वो घटाओगे जोड़ोगे घटाएंगे तो माइनस कितना प्राप्त होता है 40 अंक, तो 3x माइनस y बराबर क्या है 4। और दूसरी स्थिति में बोलो तो पर यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, फिर कह रहा है देखिए यहां, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, यानी प्रत्येक सही पर 4 अंक, एक सही पर 4 अंक, 2 सही पर 2 × 4 अंक, 3 सही पर 3 × 4 अंक, एक सही पर तो 4 × x अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटता है, एक गलत पर 2 अंक कटता है, 2 गलत पर 2 × 2, 3 गलत पर 2 × 3, 3 × 2 6, 5 गलत पर 5 × 2, तो y गलत पर तो y, हाँ तो 2 × y वाई आ कितना अंक था 50, तो क्या हाँ जोड़ देंगे, नहीं अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, 2 अंक घट जाते हैं, कटने के माइनस इतना बनाए क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन बनाए सही आई गलत, तो गलत क्या हुआ घट जाएगा, तो माइनस बराबर 25।
एक्स माइनस वाई बराबर 25, समीकरण दो। समीकरण गलत, पर एकम करता है तो वाई गलत, तो एक गुना वाई, एक गुना वाई यहां क्यों घटा दिए, इतना सही बनाए, ये सही है ये गलत है। तो गलत में क्या होता है, कटौती, कटौती होता है, इससे क्या होगा माइनस, कटौती में माइनस हो गया, माइनस मार्किंग। इतना सही बनाए इतना गलत बनाए, तो हमको 40 अंक मिला, तो 40 कब मिलेगा, जो गलत बना वो घट जाएगा, कटौती हो गया, माइनस हो गया, तो 3 गुना x माइनस y बराबर 40, 3 माइनस y 40 इक्वेशन फर्स्ट। आ एक सही पर अब क्या मिलता है, 4 अंक, तो x सही पर 4 गुना x, ये गलत पर करता 2 अंक, तो वाई गलत पर 2 गुना y, यहाँ घटा दें यहाँ बराबर 50, तो 4x-2y क्या 50, 2 कॉमन, 2x-y 50 गुना तो भाग, इक्वेशन क्या है 2, 1 और 2 से कर देंगे हल, तुरंत बन जाएगा ये 1 और 2 से, ये क्या है 3x-y बराबर 40, 2x-y बराबर 25, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो एक्स बराबर 40-25 तो 15, एक्स का मान समीकरण 1 में देने पर 1 क्या है, 1 है 3x-y बराबर 40, तो 3 गुना x का मान 15 40 या 45, -15 45 वाई 5, अतः कुल प्रश्नों की संख्या 1x+y, नहीं सही बनाए सही x गलत y, कुल प्रश्न क्या होगा x+y, नहीं जैसे आपको परीक्षा देने गए तो सही बनाए 15 गो, गलत बनाए 5 गो, कुल कुल क्वेश्चन बोलो तो 15 5 20, सही बनाए 25 गो, गलत बनाए 30 गो, कुल प्रश्न गलत बना, सही बनाए 25 गो, गलत बनाए 5 गो, कुल प्रश्न बोलो तो 25 5 30 जुट जाएगा x+y, सही प्लस गलत, तो x का मान बोलो 15 और y का मान बोलो 5, तो 15 5 20, समझ में आया, मैसेज कर, मैसेज कर। क्या लिखता है, हाँ समझ में आ गया, चलो आप तुम लोग एक हिस्सा के बाद पूछना क्वेश्चन, ये अभी आप बता रहे एगो बात क्वेश्चन पूछना, क्या आपको पूछना है, बहुत अच्छा, चलो हाँ हल्का था ही, कल था बराबर हिसाब था,
अब है मीना दो एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। यहां तो क्वेश्चन पर हल्का है, उसने खजांची से जो पैसा देता है, खजांची से कहते हैं, खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया, 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। पच्चीस नोट प्राप्त किया तो ज्ञात कीजिए उसने, वो ज्ञात करे उसने ज्ञात करे उसने 50 रुपया और 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलिए तो आप क्वेश्चन पढ़ जाइए, क्वेश्चन पास है, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए। आप क्या सोचना, क्लास खोलिए, आप क्या सोचना है। चलिए हाँ बोलो जी। दियो कितने कितने के कितने नोट प्राप्त, नोट में रुपया। हाँ तो बोलता है कि आप 50 रुपया और 100 रुपये, मैंने मीना बाजार गए कितना निकालने के लिए, बैंक 2000 रुपया बैंक निकालने के लिए, खजांची जो रुपया देते हैं वहाँ उनसे कहा कि आप मुझे 50 रुपया 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, दे दीजिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, आपने कुछ 50 रुपया का कुछ 100 रुपया का, अब इतने दीजिए हमको, अब कुल 25 नोट प्राप्त किया तो ज्ञात करें उसने 50 रुपया 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या एक्स और 100 रुपया के
उत्तरों की संख्या वाई, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या एक्स और 100 रुपया के नोटों की संख्या वाई, है ना। तो दिया है प्रश्न से कुल नोटों की संख्या 25 है। देखिए 25, कुल 25 नोट है। हम यहाँ 50 रुपया के एक्स नोट और 100 रुपया के वाई नोट माने हैं। कुल नोट कितना? 25। तो कह सकते हैं एक्स प्लस वाई, हमारे अनुसार कुल नोट एक्स प्लस वाई, हम 50 के एक्स नोट माने हैं और 100 का वाई नोट माने हैं। तो एक्स प्लस वाई कितना? 25। इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा अब देखो, अब मूल्य क्या? 2000 रुपया है। यदि आपसे ऐसे कहे कि 50 रुपया है, देखिए 50 रुपया क्या नोट एक्स है, ऐसे समझे पुनः 50 रुपया के 5 नोटों का, 50 रुपया के 5 नोटों का मूल्य वो कितना होते? आपके पास 50 रुपया के 5 नोट है, मूल्य बोलो। तो 5 × 50 रुपया यानी 250 रुपया। यदि 50 रुपया के 5 नोट है तो मूल्य बोलो, तो 5 × 50 250 रुपया। यदि आपको 50 रुपया का 10 नोट है तो कुल मूल्य बोलो, तो 10 × 50 यानी 500 रुपया। यदि 50 रुपया का 15 नोट है तो मूल्य बोलो, तो 15 × 50 तो 15×75 750 रुपया। अब बोलो तो 50 रुपया के यहाँ क्या नोट है? एक्स नोट है। तो मूल्य बोलो, तो 1×50 रुपया तो 50x रुपया है ना। और 100 रुपया के वाई नोटों का मूल्य, 100 रुपया के वाई नोटों का मूल्य, वाई नोटों का मूल्य तो बोलो क्या होगा? तो 100 रुपया का वाई नोट है, मान लीजिए 100 रुपया के 2 नोट है तो मूल्य तो 2×100 तो 200 रुपया। 5 नोट है तो 5×100 तो 500 रुपया। यदि वाई नोट है तो मूल बोलो, तो y × 100 रुपया बराबर 100 वाई। एक्स प्लस 2y बराबर 2000। एक्स प्लस 2y बराबर कट जाएगा ही, तो कट जाइए 5×20 40 से कट जाएगा ही 5×20। तो एक्स प्लस 2y बराबर 40। फिर देख लो इक्वेशन 2। माना कि 50 रुपया नोटों की संख्या एक्स और 100 रुपये नोट संख्या वाई और कुल नोट 25 हुआ है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 25। इक्वेशन फर्स्ट। अब 50 रुपया के एक्स, 50 रुपया के एक्स नोटों का मूल्य, तो 50 रुपया का क्या नोट माने हैं? एक्स नोट। एक्स को 50 तो 50x रुपया और 100 रुपया के वाई नोटों का मूल्य, तो वाई 100 वाई रुपया। दिया है कुल रुपया
कितना 2000, तो यहाँ 50x रुपया जोड़ 100y रुपया बराबर 2000 रुपया, रुपया कट गया 50 कौन एक्स प्लस क्या वाई 2y 2000 गुना तो भाग कट गया, तो 5 × 20 = 40 समीकरण 2 एक और दो से। एक और दो से कहे कुछ कहें पढ़े ना रे कह दोनों बजे बैठ बजे बैठल हो एक्स प्लस वाई चालीस। हाँ करो अपने से फल करो बोला बोल जी फल करो हाँ लगभग सब बता लिए तो जो कि वो कर रहे हैं कि पढ़ने कर रहे हैं छोड़ दें काल टेंशन में टेंशन नहीं ले। चलो जी अब सब बता दिए हम। चलिए अब कौन 36 लाओ आप पूछिए हल्किए हल्किए जी देखे आइए तो हल्किए किए हैं हौला मौला नहीं तो समझ में आया जी समझ में आया जी हाँ एक्स का मान 10 क्लियर है क्लियर है तो माइनस 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 क्लियर है। अब तुम लोग पहले पूछो केसी सिन्हा पूछो केसी सिन्हा से केसी सिन्हा पूछो पहले 3.5 पूछो 3.5 से पहले पूछना प्लस तो माइनस प्लस घट गया माइनस वाई माइनस 15 वाई का मान मान समीकरण 1 में देने पर 1 क्या है एक एक्स प्लस वाई 25 10 अब तब लिखना यहां है अतः 100 रुपया के नोटों की संख्या एक्स का मान बोलो 10 अब 50 रुपया के नोटों की संख्या वाई तो वाई बराबर क्या है 15 वाई 15 चलिए अच्छा तो पूछा है क्या पूछा 26 सर कौन करने वाला है अच्छे 30 तो 36 के पूछा था हाँ चलिए क्या 6 पूछा था 6 बता दिए हैं देखो भाई
हाँ चलो तो केसी सिन्हा एक्सरसाइज 3.5 छः बोलो नहीं तो छः नहीं छः 11 छः छः 11 19 28 का 1 23 का 1 अच्छा और कोई है 31 37 अच्छा अब देखिए और फिर लिखते रुक जाओ फिर बनाना रुक जाओ अच्छा तो केसी सिन्हा का आई छह बता दिए हैं आ समझिए 11 भी बता दिए हैं किसी 11 क्या किसी शहर के कार का किराया भाड़ा ये बताए हैं 11 19 हाँ 19 ने बताए हैं 11 बताए हैं 19 बताते हैं 19 22 भी हाँ 19 बताते हैं ऐसे 11 भी हल्का है 11 तुम जो पूछा है 11 हल्का है किसी शहर के कार का किराया भाड़ा यानी किसी बताए थे ऐसे किसी शहर के कार का किराया का एक भाग कार का किराया का एक भाग नियत है बताए थे दूसरा भाग प्रति किलोमीटर पर निर्भर करता है प्रति किलोमीटर पर निर्भर है यदि अठारह किलोमीटर जाने में लगता है तो प्रतिदिन का नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाले नहीं तो कितना आसान है ये बता दिए थे हल माना कि प्रतिकार का प्रतिदिन
का नियत भाड़ा एक्स रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपया। अब बोलिए कितना आसान, तो 13 किलोमीटर जाने में प्रश्न से 13 किलोमीटर जाने में ₹96 लगता है। अब बोलिए तो दिन बताए थे कि नियत भाव समझाए थे, नियत भाड़ा घटता बढ़ता नहीं है, वही रहता है। तो एक्स रुपया एडवांस दिए हैं और 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 13 किलोमीटर का 13 वाई रुपया बराबर 96 रुपया। तो एक्स प्लस 13 वाई बराबर 96, इक्वेशन फर्स्ट। एक्स कहाँ से लाए, नियत होने, वो एक दिन का नियत भाड़ा है, वो नियत भाड़ा घटता बढ़ता नहीं है, वो एडवांस हो गया। एडवांस दे दो कार वाले को, तुम कार रखो घर पर एक दिन या उससे कितनों दूर जाओ, तो उसका एडवांस वही रहेगा, वो घटता बढ़ता नहीं है। खाली एक के हम का 13 रुपये x y रुपया, 13 के हम का 13 y रुपया, इक्वेशन फर्स्ट। आओ फिर है तथा 18 किलोमीटर का ₹131 लगता है, 18 किलोमीटर का ₹131 लगता है। तो एक्स प्लस 18 वाई, 1 किलोमीटर का वाई, ये 18 वाई बराबर ₹131। एक और दूसरा हल कर रहे हैं, एक और दो से हल कर रहे हैं। तो एक्स प्लस 96 31 माइनस 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 कट गया 8 5 13 माइनस 5 वाई, यहाँ लिखियो माइनस 5 वाई बराबर 131 माइनस 96, तो 6 गया 6 5 11 बारह में 9 3 12 35 माइनस 35 35 बटा 5 7 5 35 वाई का मान 1 में देने पर 1 क्या है, एक्स प्लस 13 वाई बराबर 96। एक्स प्लस 13 गुना 7 91 96, एक्स बराबर 96 माइनस 91 एक्स बराबर 6 में से गया 5 5 आ गया। तो यही प्रति नियत भाड़ा ₹5 प्रति किलोमीटर वाई रुपया, वाई बोलो 7 रुपया है ना। हाँ एक ही जैसे बताइए, एक ही देखी है
तब चल तो उसी के हिसाब है। ओ अच्छा, हाँ, तुम्हारा हिसाब देख लिए हैं, बता देंगे के का मान ज्ञात करें यदि एक्स स्क्वायर प्लस, बहुत हल्का हिसाब है, बहुपद का हिसाब है, बहुपद नहीं पढ़ाए लेसन में, इसमें लेकिन तुमको बता देंगे, रुक जाओ, चिंता नहीं करो, बताते हैं, रुक जाओ, हमें आप समझ में आ गया, अब जरूर बता देंगे। अच्छा, आ कहीं और पूछना पूछ लो, सो कहीं और पूछना भेजो। अब आप देखी है सुन लो थोड़ा सा, तुम लोग सब सुन लो, सुन लो, 23 का एक, 23 का एक है ना, 19 बताते हैं, अच्छा 22 36, सुनो 23 का एक, पहले पहले 19 बता देते हैं, 23 का एक, 23 का एक, और उसके बाद 36 37 या द्विघात समीकरण का हिसाब है, समीकरण का हिसाब है, इसमें गलती से पड़ गया ही, 23 का एक 36 37। अब देखिए तोरा, तुमको 36 37 बता दिए हैं, एक हवाई जहाज 30 मिनट देर से उड़ान भरती, हम बताया हुआ है, और 36 है 300 किम की दूरी समान चाल से तय करती हुई द्विघात का, ये दोनों बता दिए हैं, देखिए 23 का एक द्विघात समीकरण का है, तो वो दिखाते हैं, देखो दिखाते कैसे हैं, तब आगे बढ़ते हैं, सब देखना ध्यान से, बहुत मुख्य क्वेश्चन द्विघात समीकरण का है, इसमें गलती से पड़ गया इसमें, देखिए है, देखिए बताओ, तब बताओ तुरा 19 रुखे, जैसे 23 का एक है, 23 का एक या द्विघात समीकरण का हिसाब है, इसमें गलती से पड़ गया है, अब तुमसे नहीं बनेगा 23 का, ये देखिए क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर, 23 का किसी भिन्न का अंश, कितना बोले अरे अरे, किसी भिन्न का अंश, किसी जानिए 23 का एक 36 37 द्विघात समीकरण क्या है, ये दोनों खाली बता रहे हैं, देखो दो दिखाते हैं, तो एक भिन्न का अंश हर से, उसके हर से एक कम है, एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, यदि उसके अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, यदि उसके अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, बहुत अच्छा हिसाब, ये परीक्षा में सारा आया है, जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान, भिन्न का मान 3/28, 3/28 बढ़ जाता है,
ये दो चरवलाम क्या है, हो जाता है, यहां क्या है? बढ़ जाता है। इसमें क्या हिसाब होगा? इसे ऐसे था, देखें एक्स बटा वाई प्लस वन प्लस चार जोड़ दिया जाए तो एक बटा दू हो जाता है, ऐसे था। देखिए क्या बढ़ जाता है, यहाँ हो जाता नहीं है। आज सब में क्या लिखा, लिखी कि चार जोड़ दिया जाए तो एक बटा चार हो जाता है, ठीक है, तो बढ़ जाता लिखा हुआ है। तो द्विघात का मैथ आपको आ गया, तो इसमें लिखेंगे हल में, बताए थे याद रखना, द्विघात का है किसी भिन्न का अंश, देखिए क्वेश्चन से लिखे हैं, देखिए क्वेश्चन, किसी भिन्न का अंश कॉमा उसके हर से एक कम है। जो भिन्न का अंश है उसके हर से एक कम है, अंश हर से एक कम है, अंश तुलना किस से, हर से, अंश हर से, तो माना कि है, ठीक है, सही माना कि हर एक्स तो अंश बराबर एक्स माइनस वन, अंश हर से कम है तो अंत हर क्या माना, एक्स अंश एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। चलो तो भिन्न बोलो, भिन्न भिन्न क्या आता, अंश बटा हर, भिन्न अंश बटा हर, अंश क्या है एक्स माइनस वन, हर एक्स है। यदि उसके अंश हर प्रत्येक में तीन जोड़ दिया जाए, यानी अंश तथा हर प्रत्येक में तीन जोड़ने पर नया भिन्न, नया भिन्न, यहां लिखे यहां कौन दिक्कत है, नया भिन्न जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न, तो नया भिन्न क्या हो जाएगा, तो बोलो नया भिन्न, तो पहला भिन्न कितना था एक्स माइनस वन बटा एक्स, एक्स माइनस वन बटा इसमें तथा अंत तथा हर प्रत्येक में तीन जोड़ को तीन जोड़ दिया, जोड़ रहे तीन, जोड़ रहे तीन, एक्स तीन एक्स माइनस दो आप बटा एक्स प्लस तीन, नया भिन्न बढ़ जाता है। जो नया भिन्न आया वो कितना बढ़ गया, हो जाता है नहीं, बढ़ जाता है, तीन बटा अट्ठाईस, आ हो जाता लिखता ना, देखते ऐसे एक्स माइनस दो बटा एक्स प्लस तीन बराबर तीन बटा अट्ठाईस, ये हो जाता है। लेकिन वहां लिखा क्या है, बढ़ जाता है, हमारा है। तो यहां किसी भिन्न का अंश हर से एक कम है, अंश की तुलना किससे, हर से है, तो माना कि हर एक्स अंश एक्स माइनस वन, तो भिन्न बराबर अंश बटा हर, एक्स माइनस वन बटा एक्स, अंश एक्स माइनस वन, कितना आसान है, क्वेश्चन सही, क्वेश्चन सही नहीं, देखिए ना, किसी भिन्न का, किसी भिन्न का अंश उसके, किसी भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, उसके अंश हर प्रत्येक में तीन जोड़ दिया जाए, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो माना, हाँ कर रहे हैं, मैं प्लस टू कर रहे हैं, पहले तो बोलो अंश हर से एक कम है, अंश हर से, हर क्या मानेंगे, एक्स, अंश बोलो एक्स माइनस वन, अंश हर से कम है, हर एक्स अंश एक्स माइनस वन, भिन्न अंश बटा हर, एक्स माइन अंश एक्स माइनस वन बटा एक्स, अंश हर प्रत्येक में तीन जोड़ने पर नया भिन्न,
तो न्याभिन्न देखिए क्या है, तो अंश क्या है, अंश भिन्न क्या है, x माइनस वन बटा एक्स। अंश हर में देखिए अंश तथा हर प्रति में तीन जोड़ दो, तो प्लस तीन और प्लस तीन, तो x तीन घटाओ एक प्लस दो बटा एक्स प्लस तीन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से ये नया भिन्न ये पुराना भिन्न, नया भिन्न वो कितना बढ़ जाता है, तीन बटा अट्ठाईस। नया जो है पुराना से देखिए तीन बटा अट्ठाईस बढ़ जाता है, किससे नया भिन्न किससे बढ़ जाता है पुराना से, कितना तीन बटा अट्ठाईस। ऐसे हाँ इसे बोलेगा हम पढ़ने में तेज हो गए, यानी पहले कमजोर थे अब तेज हो गए, किससे पहला से। तो जी भिन्न प्रत्येक में तीन जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न का मान तीन बटा अट्ठाईस बढ़ जाता, किससे पहला से। तो नया कितना है x प्लस दो बटा x प्लस तीन, और पहला कितना है x माइनस वन बटा x। और कितनी नया आई पहला कितना बढ़ गया तीन बटा अट्ठाईस, तो यहाँ जोड़ दें तीन बटा अट्ठाईस। अभी नया नया इससे कितना नहीं, नया x प्लस टू बटा एक्स प्लस तीन, आइए x माइनस वन बटा एक्स किससे बढ़िया तीन बटा अट्ठाईस, यहाँ जोड़ दिए तो कौन बढ़ा नया वाला किससे पुराना वाला से, तो नया हम जोड़ देंगे। आप देखिए तो x प्लस टू बटा एक्स प्लस तीन, ध्यान से x प्लस टू बटा एक्स प्लस तीन, प्लस तो माइनस एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस तो माइनस तीन बटा अट्ठाईस। एलसीएम बोलो एक्स प्लस तीन इंटू एक्स प्लस तो माइनस एक्स प्लस तीन इंटू एक्स, इससे कट गया जी गुना हो जाएगा यहाँ, तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स ऐसे कट गया, तो यहाँ क्या है एक्स प्लस तीन इंटू एक्स माइनस वन, तीन बटा अट्ठाईस। एक्स प्लस तीन एक्स लघुत्तम लिए, एक्स प्लस तीन कैंसिल आउट, एक्स इंटू एक्स प्लस टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू, एक्स कैंसिल आउट, एक्स प्लस तीन इंटू एक्स माइनस वन। अब देखिए नहीं बोले आगे माइनस है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स गुना तीन एक्स माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस बटा एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आई, फिर देख लो गुना करो एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर एक्स गुना दो टू एक्स माइनस माइनस एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ क्यों दिए हैं ब्रैकेट, आगे माइनस है आगे माइनस है, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर एक्स गुना तीन थ्री एक्स माइनस वन गुना एक्स माइनस एक्स माइनस वन गुना तीन माइनस तीन, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर एक्स गुना तीन थ्री एक्स बराबर तीन बटा अट्ठाईस। अब देखें एक्स स्क्वायर अब प्लस टू एक्स, अब देखिए हाँ एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस तीन, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स
माइनस तीन बटा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, तीन बटा अट्ठाईस। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस तीन बटा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, तीन बटा अट्ठाईस। अच्छा, ये दोनों बता दिए हैं, देखो पिछले वीडियो में। तो प्लस एक्स स्क्वायर कट गया ही, अब प्लस टू एक्स कट गया ही, बचा तीन बटा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, तीन बटा अट्ठाईस। अब देखिए तीन से तीन भी कट गया, तो वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, वन बटा अट्ठाईस। तिरछा तिरछी गुना एक्स स्क्वायर बराबर अट्ठाईस, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स जीरो। यहाँ लिखते नहीं, छः हो गया ही, ग्यारह हो गया, तेईस का एक हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं उन्नीस, उन्नीस बाईस इकतीस छत्तीस सैंतीस, इतना बताना है। अब एक्स स्क्वायर मध पद के बाद एक्स स्क्वायर सत्या इक्कीस, देखिए मध पद माठी, एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस अट्ठाईस बराबर जीरो, एक्स प्लस सात माइनस तीन कॉमन, एक्स प्लस सात, एक्स प्लस सात कॉमन, बहुत बार बताए हैं जीरो, तो एक्स प्लस सात बराबर जीरो, एक्स माइनस सात, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो बताया कि किसी भिन्न का अंश हर माइनस होता नहीं है। देखे जाए से माइनस दो बटा तीन माइनस रहता बीच में, तो अंश और हर ये माइनस होता नहीं, क्योंकि परिभाषा था भिन्न का, जो संख्या ए बटा बी के रूप में हो, ए बी प्राकृत संख्या हो, किसी भिन्न का अंश और हर माइनस होता नहीं। अंश भी प्राकृत संख्या, हर ही प्राकृत संख्या। अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ है माइनस दो बटा तीन, जिसका अर्थ है ये यहाँ लिखा रहा है ई अंश दो हर तीन, तीन बराबर जीरो, एक्स बराबर तीन, भिन्न बराबर एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई नहीं, एक्स बटा वाई कहते हैं, एक्स बटा क्या है, एक्स माइनस वन बटा एक्स, एक्स तो सत्या इक्कीस, सही तो है, कितना ऐसा आंसर, ऐसा देखिए थे तीन है, कितना आंसर है तीन बटा चार, किस किसे तीन बटा चार, एक्स प्लस तीन अंश बटा हर, अंश एक्स माइनस वन हर एक्स माइनस तीन कॉमन, एक्स प्लस सात, एक्स प्लस सात, एक्स माइनस तीन जीरो, प्लस टू माइनस तीन, एक्स माइनस वन बटा तीन, नहीं नहीं एक्स माइनस वन बटा तीन, है ओ यहाँ इक्कीस नहीं है, अच्छा अच्छा ओ यहाँ अट्ठाईस नहीं है रे पागल, ये अट्ठाईस नहीं है रे, सात सौ का अट्ठाईस पागल, वहाँ लिखे मैसेज कार का है रे, देखो क्या है, यहाँ अट्ठाईस नहीं था रे,
तो 728 तब पागल है, तो एक्स प्लस 7 देखिए 728 हम कि 21 वहाँ है, तो ये क्या बोल हो गया एक्स प्लस 7 गलती कैसे हो जाएगा, एक्स माइनस 4 हाँ 4 0 = 4 सही आया 4, तो 4 तो 4 - 1/4 तो 3/4 आंसर। हम यहाँ 28 है तो ऐसा सचौ का 28 रहता 21 तब ने सत्या के 28 है तो सचौ का 28 7x - 4x - 28 हो गया, तो -4 कॉमन एक्स प्लस 7 सचौ का 28 एक्स प्लस 7x - 4 4 आ गया x - 1/x एक्स मान 4 - 1/4 3/4 आंसर। समझ आ गया होगा मैसेज कर, हाँ बोलो समझ में आया, यह द्विघात का हिसाब था, समझ में आया ये क्यों लिखता है, यस या नो, हाँ ठीक है, हाँ क्लियर है, ये द्विघात का था 41 सर जी, अच्छा तुरंत 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 ये द्विघात का था, ये चलो एक पूछा है 19, उन्नीस सर जी दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 15 है, संख्या के अंकों का योग 15 है, संख्या के अंकों को पलटने से संख्या के अंकों को अंकों को पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या कॉमा दत्त संख्या से 9 अधिक हो जाती है, हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो दो अंकों वाली संख्या ज्ञात करें, दो अंकों वाली संख्या ज्ञात करें,
चलो ये तो जहां दो अंकों ने खिसा मिला जाए, जहां दो अंकों वाली संख्या रहे तो मान लेंगे तुरंत। ऐसा बहुत सा बताए थे, बहुत सा, जहां रहे दो अंकों वाली संख्या तो दहाई का ही मानते हैं। माना कि दहाई का अंक एक्स इकाई का अंक वाई, माना कि दहाई का अंक एक्स इकाई अंक वाई, तो दो अंकों वाली, दो अंकों वाली संख्या दस एक्स प्लस वाई, इसी नाम है दो अंकों वाली मूल संख्या, प्रदत्त संख्या दस एक्स प्लस वाई, दत्त संख्या दस एक्स प्लस वाई, सब इसी के नाम है। मूल संख्या, वांछित संख्या, दी गई संख्या, पहली वाली संख्या, दत्त संख्या, सब इसी के नाम है। दत्त संख्या दिया, दत्त में दिया हुआ है। अंकों को पलटने से बनी नई संख्या तो दस वाई प्लस एक्स, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या दस वाई प्लस एक्स। तो प्रश्न से बोलो, दिया अंकों का योग अंक कौन कौन है? एक्स वाई अंक है, एक्स वाई अंकों का योग 15 है, एक्स प्लस वाई बराबर 15। इक्वेशन फर्स्ट, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, नया संख्या बनता कौन? दस वाई प्लस एक्स। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या दस वाई प्लस, पुनः दस वाई एक्स बराबर दत्त संख्या। दत्त मतलब दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? दस एक्स प्लस वाई को दत्त कहते हैं। दस एक्स प्लस वाई नौ अधिक है, जो अंकों को उल्टे हैं उस जो नई संख्या ही बना है दस वाई प्लस एक्स। अब मूल संख्या दस एक्स प्लस कितना अधिक है? नौ, यहां नौ जोड़ देंगे। दस वाई प्लस एक्स माइनस दस एक्स माइनस वाई नौ, तब सुन एक्स माइनस दस एक्स तो माइनस नाइन एक्स, दस वाई घटा वाई प्लस नाइन वाई बराबर नौ, माइनस नौ कॉमन एक्स, माइनस नौ तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस वाई बराबर नौ, एक्स माइनस वाई नौ बटा माइनस नौ कट गया। एक्स माइनस वाई बराबर माइनस एक, देखिए माइनस एक समीकरण दो, तो समीकरण एक और दो से एक्स प्लस वाई बराबर 15, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस एक कट गया, टू एक्स बराबर 14, 14 बटा दो 7। अब एक्स का मान
एक्स का मान समीकरण एक में देने पर, एक में देने पर एक क्या है, सात, तो सात प्लस वाई बराबर सात है, तरीके पंद्रह न रे, पंद्रह एक्स का मान सात, दस सात पन सात छः पन आठ छः आठ सात पंद्रह आठ, आठ सात पंद्रह आठ हो जाएगा ही। इससे आता है दो अंकों वाली संख्या, दस एक्स प्लस वाई, दस एक्स का मान सात, वाई का मान आठ, सत्तर प्लस आठ अठहत्तर, अब कौन है, अब है बाईस, नहीं तो बाईस तो हल्का है रे, बाईस तो हल्का है, बाईस किसी भिन्न के अंश में एक घटा दिया जाए, किसी भिन्न के अंश में एक घटा दिया जाए, एक घटा दिया जाए तो वह एक बटा तीन हो जाता है, हो जाता है। यदि हर में आठ जोड़ दिया जाए, हर में आठ जोड़ दिया जाए तो वह एक बटा चार हो जाता है, क्यों बताए के, तो भिन्न ज्ञात करें, ये तो हल्का है, तो माना कि भिन्न एक्स बटा वाई, माना कि भिन्न एक्स बटा वाई, माना कि भिन्न एक्स बटे क्या वाई, तो प्रश्न से भिन्न के अंश में एक घटा दिया जाए, देखें कहीं लिखल है, तो भिन्न के एक्स बटा वाई, एक घटा अंश ऊपर अंश नीचे हर, एक घटा दिया जाए किसी भिन्न के अंश में एक घटा, भिन्न एक्स बटा वाई माने हैं, तो एक्स माइनस एक घटा दे वाई बराबर एक बटा तीन, तिरछा तिरछी गुना थ्री एक्स माइनस तीन वाई, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर तीन, इक्वेशन फर्स्ट। और यदि हर में आठ जोड़ दिया जाए, पुनः एक्स बटा वाई, भिन्न एक्स बटा वाई है, हर में आठ जोड़ दिया जाए प्लस आठ, एक बटा चार हो जाता, तिरछा तिरछी गुना चार एक्स बराबर वाई प्लस आठ दो, एक और दो से तो समीकरण एक और दो से, कितना आसान था, भी किसी भी मान एक्स बटा वाई, अंश में एक घटा दिया, अंश ऊपर वाला है हाँ नीचे वाला, एक घटा एक बटा तीन हो जाता है, हर में आठ जोड़ दिया जाए एक बटा चार हो जाता है,
एक और दो से, 3x-y=3। अब 4x-y=8 माइनस प्लस माइनस कटिए, माइनस एक्स बराबर 3 × 8 5 × 3 = 8 5, एक्स आर 5, एक्स का मान 1 में देने पर एक क्या है, 3 × 5 − y = 3 माइनस 3 − 15 अतः भिन्न एक्स बटा वाई एक्स एक्स 5 y 12 5 बटा 12 19 हो गया, 22 हो गया। अब 31, 36, 37 नहीं थे, इकतीस बता दिए थे, देखो वीडियो 31 बता दिए, 31 देखो वीडियो, देखो 31 बता दिए हैं, 31, 36, 36। एक रेलगाड़ी 300 km की दूरी समान चाल से तय करती है, तो यह द्विघात समीकरण का हिसाब है। वहां बताए तुम जब जिद्दी कर रहे हो तो क्या कहें, लेकिन यह बता दिए हैं यह द्विघात समीकरण का हिसाब है। हिंदते हैं, 37 क्या है, 37 बता लो, एक हवाई जहाज 30 मिनट लेट से उड़ती है। देखिए जाए द्विघात समीकरण के हिसाब नंबर हो, देखिए जो 37 पूछा, 37 जो है ये द्विघात समीकरण का हिसाब बता दिए हैं, द्विघात का हिसाब नंबर है 34। देख लो एक हवाई जहाज 30 मिनट देर से उड़ान भरती है, यह भी साल है। देखो बताते हैं 36, हिसाब तो 17वां वीडियो में हो अपलोड कर लियो है, 17वां वीडियो द्विघात का देखिए जा 17 वीडियो। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 5 km प्रति घंटा अधिक तेज चलती, चलती तो यात्रा करने में
2 घंटा कम समय लगता है, तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल याद करें। चाल निकालें तो माना कि एक्स के हम प्रति घंटा, एक्स के हम प्रति घंटा कितना मीटर बताए थे साहब साहब? तो 300 किलोमीटर दूरी बटा चाल